हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैं मोमेंटम स्टॉक्स को निकाल सकता हूँ। हम कुछ स्क्रीनर चेक करेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर टूल्स को स्क्रीनर के हिसाब से यूज़ करेंगे और एक मोमेंटम स्टॉक हमें मिल सकता है, ठीक है। तो जब मैं मोमेंटम की बात करूँ, तो हम मोमेंटम जब भी हमारे दिमाग में आता है तो क्या आता है, हम उसके बारे में चेक करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, चाहे मेजर रेजिस्टेंस हो या मेजर सपोर्ट हो, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल से, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट या किसी भी पर्टिकुलर लेवल से, जहाँ पर भी वो जोन है, किसी जोन से भी वो निकल के बाहर जाता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे वो, मान लीजिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है या जोन है, जैसा भी आप कंसिडर करो, कोई स्टॉक यहाँ से निकल के ऊपर जाता है और कोई स्टॉक निकल के नीचे जाता है, तो ये जो मोमेंट है इसको बोला जाता है मोमेंटम, ठीक है, ठीक है। अभी जो मोमेंटम है, मतलब कि मोमेंटम ये होता है कि अगर वहाँ ब्रेकआउट किया है तो थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करना चाहिए। मोमेंटम का मतलब ये नहीं होता है कि वो ऊपर गया वापस से नीचे आ गया, ठीक है, हम बोलेंगे अरे मोमेंटम था, नहीं, ठीक है। अगर फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस आता है कि स्पीड और मोमेंटम में काफ़ी डिफरेंस है। अगर स्पीड के साथ हम वेट को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ स्पीड बोलूं, तो स्पीड क्या साइकिल की भी होती है, मोटरसाइकिल की भी होती है, ठीक है, क्या दोनों सेम होती है, बिल्कुल नहीं। अभी स्पीड आप देखोगे ट्रेन की भी होती है, ठीक है, ट्रेन का भी होता है, लेकिन स्पीड का जो है, स्पीड ये दोनों को मैं बोल सकता हूँ कि ये स्पीड है, लेकिन जो ट्रेन का है उसको सिर्फ स्पीड नहीं बोला जाएगा, बिकॉज स्पीड प्लस वेट इज इक्वल टू मोमेंटम, राइट। तो ट्रेन का जो मोमेंटम होता है, आप देखोगे कि ट्रेन जब एक बार चलती है, ठीक है, तो उसको ब्रेक मारोगे तो तुरंत नहीं रुकता है, ठीक है, तुरंत नहीं रुकता है, वो काफ़ी दूर तक जाके फिर रुकता है, राइट, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। एक शिप, ठीक है, वो अपने प्रोपेलर्स जो होते हैं, उसका जो प्रोपल्शन होता है, जो प्रोपेलर्स होते हैं, वो जैसे उसको रुकता है तो तुरंत शिप नहीं रुकती है, ठीक है, उसको एंकर डालना पड़ता है, लेकिन प्रोपेलर्स बंद हो जाएगा तो थोड़े दूर तक वो फ्लोट करती है, ठीक है, बिकॉज उसका स्पीड भी था और उसका वेट भी था। तो स्पीड और वेट के साथ, अगर स्पीड और वेट दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको मोमेंटम मिलता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत आपका फिजिक्स क्लास हो गया है तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, तो कंसेप्ट के हिसाब से आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मोमेंटम, ठीक है। तो स्पीड मतलब ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, स्पीड मतलब ब्रेकआउट हो गया, ये आपका हो गया स्पीड, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। अब जब मैं वेट की बात करूँ तो इसके साथ वेट आएगा आपका डेटा, ठीक है, वेट आपका आएगा डेटा। अब वो चाहे ओवाई डेटा हो, चाहे ऑप्शन डेटा हो, ठीक है, और दोनों में पीसीआर डेटा हो, कोई भी डेटा हो, ठीक है, अगर डेटा आपको यहाँ पर बता रहा है तो वो डेटा आपको ऐड कर रहे हो, कोई टूल्स है तो आपको एज ए वेटेज ऐड करेगा, वेट ऐड करेगा, नॉट वेटेज, वेट ऐड करेगा। तो स्पीड के साथ वेट ऐड होता है तो मोमेंटम बनता है, वैसे स्टॉक के साथ डेटा, यानी कि उसके साथ कोई फ्यूचर डेटा, या फिर मैं ये बोलूँ कि उसके साथ ऑप्शन डेटा अगर कंबाइन होता है तो उसको एक वेट मिलता है, तो वो मोमेंटम कैप्चर करता है, तो उसको रुकना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आप देखोगे लॉन्ग बिल्टअप ऐसे हो रहा है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, फिर लॉन्ग बिल्टअप होता है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो लॉन्ग बिल्टअप, तो ये जो ऊपर ऊपर जाता है ना, इसको बोला जाता है मोमेंटम, इसको बोला जाता है मोमेंटम, राइट, क्योंकि बीच में जितने भी स्पीड ब्रेकर आ रहे थे वो उसको रोकने में नाकामयाब हुए, ठीक है, कि मैं ब्रेक मार रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, ट्रेन का है, इंजन है, ब्रेक मारो नहीं रुक रहा है, बिकॉज वो मोमेंटम में है, उतनी जल्दी नहीं रुकेगा, आप ब्रेक मारोगे 1 किलोमीटर दूर जाके रुक रहा है वो, तो यहाँ से पूरा करते करते बहुत दूर पर जाके वो किसी रेजिस्टेंस के पास रुकेगा, जहाँ पे उसको बहुत सारा जो डेटा है, मतलब जो ओवाई है वहाँ पे फिनिश हो गया है, या फिर कहोगे कि शॉर्ट बिल्टअप शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये मैं मोमेंटम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की है, थोड़ा सा फिजिक्स हो गया है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप उसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे,
मेजर टूल्स यूज करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम कैसे कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये मोमेंटम दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से भी हो सकता है, इंट्राडे आप कैप्चर करोगे, आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग आप यूज करोगे। अगर आपको बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन लेना है तो लॉन्गर ड्यूरेशन समथिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब एक दो साल के लिए लेना है तो वो आपका पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर तीन तरीके से आपका मोमेंटम हो गया, आपका हम कहेंगे इंट्राडे, फिर शॉर्टर ड्यूरेशन और लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इंट्राडे और स्विंग का ही देखते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए अगर आपको मोमेंटम स्टॉक चाहिए तो हम ट्रैक में जाके, मुझे यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक दो तरीके से मिल सकता है। ठीक है, एक मुझे मिलेगा ट्रिगर से। ठीक है, ट्रिगर्स में पूरे तरीके से स्टॉक का मुझे यहाँ पर इंडिकेशन देता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या बताता है कि ये हाईएस्ट कॉल का लेवल है और वो हाईएस्ट पुट का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे आप देखोगे, आपको जरा बता दें कि किस तरीके से मैं टूल को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो आप स्ट्राइक देख रहे हो, ये स्ट्राइक आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि हाईएस्ट कॉल है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, ये जो स्ट्राइक है ये आपको सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स हैं। ठीक है, तो अगर अबाउट इंडिया यहाँ पर ये लेवल ब्रेक करता है तो मुझे एक मोमेंटम मिलेगा, भले वो छोटा सा मोमेंटम हो, मिलेगा इंट्राडे का मोमेंटम मिलेगा आपको। ठीक है, तो इंट्राडे का मोमेंटम यहाँ से आपको इजीली मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक करेगा तो मुझे यहाँ पर ट्रेड मिलेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा तो मुझे ट्रेड मिलेगा। अभी इसमें मुझे देखना क्या है, मुझे ये देखना है कि जो चेंज इन ओआई है ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल 0% है क्योंकि यहाँ पर डेटा मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर नेगेटिव चेंज इन ओआई होना चाहिए, -2%, -3%, 5% जो भी आपको दिखेगा। तो वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो राइटर्स है ना उनमें फियर आया हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो वो क्या उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो अपने पोजीशन ऐसे वाइंड अप कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डेटा मैच कर रहा है, राइट, डेटा मैच कर रहा है, ये ऊपर जाने की संभावना है। ये जो यहाँ पर कॉल राइटर्स कौन होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डेटा कैसे, कॉल राइटर्स वो होते हैं जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट उनके मुताबिक नहीं चलता, मार्केट डायनेमिक होता है। ठीक है, उनका लेवल ब्रेक किया और ऊपर चला गया। सिमिलरली जब मैं सपोर्ट की बात करूं तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पर आप देखिए कि चेंज इन वाई नेगेटिव है या नहीं, नेगेटिव है, आप पुट में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, शर्त यहाँ पर एक और है कि जो पुट डिफरेंस या कॉल डिफरेंस जो भी आप देख रहे हो, अगर कॉल की साइड अगर ट्रेड लेना चाह रहे हो ऊपर की तरफ, तो कॉल डिफरेंस जो है वो -1% के अंडर में रहना चाहिए। ठीक है, 0 से -1% के अंडर में चेंज इन वाई नेगेटिव रहना चाहिए, आप वो ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल टूल है, इस तरीके से आपको एक मोमेंटम स्टॉक यहाँ से मिल जाएगा। अभी इसके साथ अगर आपको एक और डेटा अगर ऐड कर देंगे, मान लीजिए फ्यूचर डेटा भी अलाइन कर रहा है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको फ्यूचर डेटा आपको बता देते हैं इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक में जाएंगे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो ये इंट्राडे के बेस पर काम करता है। ठीक है, इंट्राडे के बेस पर काम करता है, यहाँ पर नरेशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप देखना है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में। ट्रिगर ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप देखिए। वहीं पर अगर वहाँ पर देखोगे कि हाईएस्ट पुट का लेवल नीचे ब्रेकडाउन हुआ है तो शॉर्ट बिल्टअप देखिए। तो ये फ्यूचर डेटा के हिसाब से है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया ट्रिगर कैसे यूज होगा। अभी इसी में एक और इंट्राडे टूल है जो बहुत उम्दा काम करता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रैक में जाएंगे, फ्यूचर वाई में इंट्राडे मूवर्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंट्राडे मूवर्स यहाँ पर देखिए, सीधा है, ये जो ग्रीन बलून है, रेड बलून्स है, ब्लू है और येल्लो है। ग्रीन बलून्स आपको क्या बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में ओआई बिल्टअप बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ा है, तो वो आपको लॉन्ग बिल्टअप बता रहा है, ऊपर की ओर ट्रेंड बता रहा है। रेड वाले जो बलून्स है उसमें बता रहे हैं कि ओआई बढ़ा है लेकिन प्राइस नीचे गया, मतलब शॉर्ट बिल्टअप है, तो आपको डाउन साइड वाला बता रहा है। ठीक है, और येल्लो वाला शॉर्ट कवरिंग बता रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग है शॉर्ट कवरिंग में। और ब्लू वाला आपको बता रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग है, मतलब थोड़ा सा उसमें पोजीशन कम हुई है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग दोनों डाउन ट्रेंड है, लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों अप ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन ये जो डेटा है, ये अभी हमने पीछे जो डेटा देखा वो तो एवरी टाइम चेंज होता रहता है। ये जो डेटा, ये कितने टाइम में बिल्टअप हुआ है ये हमें चेक करना है। ठीक है,
तो अगर आपको ये देखना है कि पिछले वन मिनट में किस पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्टअप हुआ है तो आपको दिखेगा। अगर टू मिनट में दिखना है तो टू मिनट में दिखेगा, थ्री मिनट में देखना है तो थ्री मिनट में दिखेगा कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप अभी बना है, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में बना है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है आपको टाइम बता रहा है, ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से आप इसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल टूल है। चलिए अभी इसी के साथ साथ पोजिशनल ट्रेडिंग टूल देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जाके मैं यहाँ पर रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ इसमें मैं देख सकता हूँ, ठीक है। रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ भी बहुत सिंपल टूल है, ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जब मैं रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको चार क्वाड्रेंट है, आपको प्रोग्रेसिव जोन है, वीक जोन है, सिमिलरली आपको यहाँ पे स्ट्रांग जोन मिलेगा और आपको लैगार्ड जोन भी मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक जो प्रोग्रेसिव जोन में है तो इंडिकेट करता है कि इसमें अप ट्रेंड है, तो मैं उसमें बुलिश ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली जो स्ट्रांग है वो आपको मोमेंटम वाला इंडिकेट कर रहा है, तो जो मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको दिखेगा। स्ट्रांग वाला जो क्वाड्रेंट है वो आपको मोमेंटम बताता है, मतलब कि ये पर्टिकुलर स्टॉक मोमेंटम में है, ठीक है, तो वो होल्डिंग वाला एरिया है, ठीक है, वो होल्डिंग वाला एरिया है। मैं इस संदर्भ में अच्छे से बात करूँगा, ठीक है, पहले मैं देखता हूँ कि ये स्ट्रांग है, ठीक है। सिमिलरली लैगार्ड जो जोन है, अगर कोई स्टॉक लैगार्ड में है तो इंडिकेट करता है कि इसमें डाउन ट्रेंड जनरेट हुआ है, ठीक है, मैं इसमें डाउन साइड वाला ट्रेंड बना सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली वीक जो जोन है ये डाउन साइड वाला मोमेंटम बता रहा है, तो अगर कोई स्टॉक वीक जोन में है ना तो डाउन साइड वाला मोमेंटम है, ठीक है, तो डाउन साइड की ओर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन। अभी मुझे ट्रेड कैसे बनाना वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक वीक में से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में जाता है, जैसे क्यूमिंस इंडस्ट्री, तो वो आपको बता रहा है कि बुलिश ट्रेंड जनरेट हुआ है, तो मैं इसमें ट्रेड बना सकता हूँ, मैं इसमें बुलिश वाला ट्रेड बना सकता हूँ। अभी अगर ऑप्शन के हिसाब से जाना चाहते हो तो हेजिंग करके जाइए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, फ्यूचर बाय करो तो फ्यूचर को भी हेज करिए, स्टॉक बाय करो तो स्टॉक को भी हेज कर सकते हो, डेल्टा के हिसाब से हेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक बाय कर सकते हो, फ्यूचर बाय कर सकते हो, ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकल के ये स्ट्रांग में जाता है तो स्ट्रांग मैंने बताया क्या मोमेंटम है, अप ट्रेंड वाला मोमेंटम है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा, ठीक है। लेकिन क्या मैं होल्ड ऐसे ही करूँगा, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, भले मोमेंटम और ट्रेन चल रही है उसको आगे रुकना है तो स्पीड ब्रेक मारना शुरू करती है, उसका जो गंतव्य है, जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आता है, ब्रेक मारना शुरू करती है, तभी जाके वहाँ रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है ओपन इंटरेस्ट में कि कहाँ कहाँ पर लेवल्स हैं, ठीक है। अगर वो लेवल्स मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहे, मतलब रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, मतलब ये कि उसको ब्रेक करके और भी आगे जा सकता है। अगर वो रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक आपको मान लीजिए 4% रिटर्न दिया है, तो अगर उसे इस बैरियर को ब्रेक किया है ना, तो ये फर्दर 3-4% रिटर्न दे सकता है। कई बार यहाँ पर स्टॉक ने 20% रिटर्न दिया, 30% रिटर्न भी दिया है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस मौके को ना गंवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा ट्रेड बनता है, इसमें जाता है, तो प्लीज़ रेजिस्टेंस को चेक करिए। अब रेजिस्टेंस आप टेक्निकल के बेस पर भी चेक कर सकते हो, डेटा बेस पर आप ओपन इंटरेस्ट को चेक करिए, देखिए कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है या नहीं। अगर ब्रेक नहीं किया है, रेजिस्टेंस के पास सस्टेन कर रहा है, रेजिस्टेंस में आप देखिए कि वहाँ पे वहाँ पे अनवाइंडिंग ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। अगर अनवाइंडिंग हो रही है तो ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। अनवाइंडिंग अगर नहीं हो रही है, कॉल राइटर ऐड हो रहे हैं और, तो मतलब वो स्ट्रांग होता जा रहा है, एग्जिट करना ज़्यादा सेफ है, ठीक है। सिमिलरली कोई स्टॉक यहाँ से स्ट्रांग में से निकल के यहाँ पर आता है लैगार्ड में, तो डाउन ट्रेंड वाला इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। मैं उसमें एक डाउन साइड वाला ट्रेड ले सकता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर जाएगा वीक जोन में तो ये मोमेंटम है। अगेन मैं क्या करूँगा, ओपन इंटरेस्ट को चेक करूँगा, चार्ट को चेक करूँगा, देखूँगा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मेजर सपोर्ट, अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है आई विल होल्ड, मुझे फर्दर 3-4% रिटर्न चाहिए। नहीं तो अगर वो सपोर्ट स्ट्रांग होता जा रहा है, वहाँ पे राइटर्स और ऐड हो रहे हैं, ठीक है, पोजीशन और स्ट्रांग हो रही है, तो मैं वहाँ पर एग्जिट कर लूँगा, ठीक है।
तो ये था मेरा रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ का टूल, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैसे ब्यूटीफुली तरीके से इसने यहाँ पर सस्टेन किया है और किस तरीके से मुझे ट्रेड दे सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप यहाँ से बास्केट बना सकते हो, वेरियस स्टॉक को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर कंटिन्यू पे सेव बास्केट कर सकते हो, और यहाँ पर जाके आप बास्केट जो भी सेव करोगे सारे बास्केट आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने वोलेटाइल स्टॉक बनाया, ये सारे स्टॉक वोलेटाइल है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको वोलेटिलिटी मिलेगी, ठीक है। ये आपको पिछले 20 डेज का डेटा है, तो 20 दिन में देख सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक यहाँ पर आया, ठीक है, प्रोग्रेसिव में। वहाँ से देखिए कैसे मोमेंटम बनाया और देखिए कैसे रिटर्न भी हुआ है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हुआ है। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि रेजिस्टेंस को चेक करिए, कि रेजिस्टेंस को टच करके वो नीचे ना आए, ठीक है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। तो हमने जाना कि किस तरीके से मैं मोमेंटम स्टॉक को कैप्चर कर सकता हूँ, हमने ये भी जाना कि ये जो मोमेंटम स्टॉक है ये इंट्राडे और पोजिशनल के बेसिस पे मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, हमने ये भी देखा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।